हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 5 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स एडवर्टाइज सीरीज में आपका स्वागत है। न्यूज़ डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कल हमने इनर लाइन परमिट के बारे में डिस्कस किया था। तो देखो, उसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो वहाँ पर क्लियर है वो नहीं की गई थी। वो ये थी कि जो इनर लाइन परमिट है ना, वो एक ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जो इश्यू किया जाता है स्टेट है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बट जो गाइडलाइंस वगैरह सारी फुल फॉलो की जाती हैं, वो की जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो देखो, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इनर लाइन परमिट है वो इश्यू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कई जगह आपको मिलेगा कि जैसे कि मेघालय में इनर लाइन परमिट है वो मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो है इनर लाइन परमिट, वो अरुणाचल प्रदेश के जो सेक्रेटरी ऑफिसर है गवर्नमेंट के, उनके द्वारा जारी है वो किया जाता है। तो देखो, इसमें जो गाइडलाइन वगैरह होती हैं वो तो होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बट लॉन्च करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी भी पर्सन को, जैसे कि मान लो कि अरुणाचल प्रदेश में विजिट करनी है, तो पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, वहाँ से परमिट लेगा। तो परमिट जो जारी किया जाता है वो वैसे स्टेट गवर्नमेंट करती है, बट जो सारी आप ये बोल सकते हो कि गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ फॉलो किया जाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज्यूरिडिक्शन के अंदर यहाँ पे होता है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि कौन सी जगह पे इनर लाइन परमिट है वो एप्लीकेबल होगा, कौन सी जगह पे इनर लाइन परमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये इफेक्ट कल हमने अच्छे से क्लियर नहीं किया था, तो आप कल के जो करंट अफेयर के नोट्स हैं हमारे, उसमें आप इस चीज़ को अपडेट है वो कर लेना। अब हमारी जो पहली न्यूज़ आज वो आई है रोटा वायरस के बारे में। कंटेक्स्ट या न्यूज़ ये आई है कि अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक रोटा वायरस के नए वैक्सीन की लॉन्चिंग है वो की है। रोटा वायरस के नए वैक्सीन का नाम हुआ है रोटावेक 5D। तो नाम से आप इजीली पता है वो कर सकते हो। देखो, यह जो वैक्सीन है वो डेवलप किया गया है, भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक कंपनी। तो इसी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और इसी ने इसको डेवलप है वो किया है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रोटा वायरस है क्या। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक वायरस है, तो मतलब वायरस जनित यह रोग है। क्या करता है, इसका क्या क्या इम्पेक्ट पड़ता है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। देखो, मेनली एक जो वायरस की अलग अलग फैमिली होती है, तो एक फैमिली का नाम होता है यहाँ पे दिया हुआ है रियोवेरिडे फैमिली। तो इस फैमिली से रोटा वायरस है वो बिलोंग करता है। आरएनए की जो डबल स्ट्रक्चर साइड है वो इसकी होती है, तो इतना डीपली तो आप रहने देना। बस वायरस जनित है, फैमिली कौन सी है, इसका इम्पेक्ट क्या होता है। तो देखो, रोटा वायरस है वो मेनली बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट है वो करता है, क्योंकि बच्चे हैं वो इसके लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं वो होते हैं। क्या क्या होता है इसके कॉजेज में, इसके में देखो डायरिया होता है। डायरिया का मतलब आप भी समझ सकते हो, एक तरह से लूज मोशन है, दस्त है वो लग जाते हैं, और काफ़ी बच्चों की डेथ वो हो जाती है। देखो, इंडिया के लिए कंसर्न बहुत बड़ा है, या रोटा वायरस है इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे देश में अगर हम बात करें तो जितने भी बच्चों की डेथ होती है ना, उसमें 10% जो बच्चे हैं उनकी मौत तो अकेले रोटा वायरस या बोल सकते हो कि डायरिया की वजह से ही होती है। तो एक तरीके से हमारे देश में जो चाइल्ड मोर्टलिटी रेट है, इसमें काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रोटा वायरस का है। इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चलाए हैं। तो अभी एक नई मेडिसिन या नया वैक्सीन स्टार्ट किया गया है, इसका नाम है रोटावेक 5D। तब हम और कुछ फैक्ट और यहाँ आगे और वो करते हैं। देखो, अगर रोटा वायरस की हम बात करें कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या साइंस होते हैं, किस तरीके से ट्रांसमिट करता है, तो ट्रांसमिशन की बात तो यह है कि ह्यूमन टू ह्यूमन है वो फैलता है। कोई भी दूषित खाना हो उससे बहुत जल्दी स्प्रेड है वो होता है, जैसे फिकल ओल रूट के थ्रू, या फिर कोई भी कंटेनमेंट आइटम हो जैसे दूषित हो, गंदा खाना वगैरह हो, उसको हार्ट टच करने से। तो इसीलिए बच्चे हैं वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है वो हो जाते हैं। वो सीरियस इम्पैक्ट क्या होता है, डायरिया हो जाता है। डायरिया में क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती है और पेशेंट की डेथ है वो भी हो सकती है। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो फीवर होती है, जी मचलाता है, इसी के साथ ही वोमिटिंग वगैरह होती है, इस तरीके के इफेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। और फिर सडनली है वो डायरिया, जिसे आप बोल सकते हो कि पानी की शरीर में कमी हो जाती है और फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है कई बार। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ध्यान में ये रखनी है कि रोटा वायरस का जो वैक्सीन है ना, एक वैक्सीन का नाम था रोटावेक पहले भी, इस वैक्सीन को गवर्नमेंट ने जो एक प्रोग्राम चलाया गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में, UIP, यानी कि सर्वस्तर टीकाकरण अभियान चलाया गया था, इसमें भी रोटा वायरस वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है। जैसे इसमें कौन कौन से वैक्सीन इंक्लूड किए गए इस अभियान में, इसमें पोलियो का टीका है वो इंक्लूड किया गया है, इसी के साथ ही अगर हम बात करें रोटा वायरस का टीका इंक्लूड किया गया है, और भी कई तरह की जो टीका है, यहाँ बात करें वैक्सीनेशन है प्रोग्राम है, इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है टॉप 100 सिटी डेस्टिनेशन रैंकिंग। देखो, एक यूके की ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पे यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल, इसके द्वारा वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कौन सी सिटीज हैं जहाँ पे लोगों ने सबसे ज़्यादा विजिट है वो किया है। अब ये ध्यान रखना, ये अकेले टूरिस्ट के घूमने की बात नहीं कर रही है, मतलब वो ये क्या कौन से डाटा को चेक करती है ये कंपनी देखती है कि कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा लोग हैं वो बाहर से गए हैं।
चाहे वो बिजनेस पर्पज़ के लिए गए हो, या फिर वो कोई ऑफिशियल विजिट हो उनकी, या फिर वो अपने रिलेटिव से मिलने गए हो, या फिर वो टूरिस्ट के पर्पज़ से गए हो, सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी को विजिट किया गया है इसको लेके है, आप बोल सकते हो कि सिटी की रैंकिंग है वो जारी करती है। तो अब देखते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या क्या फैक्ट हैं और इंडिया के बारे में हम कुछ फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। तो फैक्ट ये देखे हैं कि सबसे ज़्यादा जो विजिट की गई है सिटी वो की गई है एशिया की। अब एशिया की सिटी क्यों विजिट की गई है, क्योंकि देखो एशिया का मार्केट है वो बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है, टूरिस्ट के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि काफ़ी सस्ता मार्केट लोगों को वो मिलता है। तो मतलब एशिया में विजिटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। अगर नंबर वन की बात करें तो हांगकॉन्ग है वो नंबर वन डेस्टिनेशन सिटी के तौर पे रहा है। सबसे ज़्यादा जो विजिटिंग है ऑल ओवर में वो हांगकॉन्ग की हुई है, चाहे वो बिजनेस पर्पज़ से हो, चाहे टूरिस्ट पर्पज़ से, या फिर किसी और अन्य पर्पज़ से। बट ये क्यों इफेक्ट सामने आया कि हांगकॉन्ग में जो पिछले साल की कंपेरिजन में विजिटर्स हैं उनकी संख्या कम हुई है, मतलब 2018 में जितने विजिटर्स थे उनकी कंपेरिजन में इस बार विजिटर कम आए हैं हांगकॉन्ग में, बट फिर भी नंबर वन पे हांगकॉन्ग रहा है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली रही है 8वें नंबर के ऊपर, और 7 सिटी हैं वर्ल्ड की, सॉरी 7 इंडिया की ऐसी सिटी हैं जो वर्ल्ड की टॉप 100 जो पॉपुलर सिटीज़ हैं इसमें शामिल हुई हैं। मतलब जो टॉप 100 कंट्रीज छाटी गई है ना, इसमें से 7 सिटी तो ऐसी हैं जो केवल इंडिया की हैं। तो ये इंडिया के लिए भी अच्छी बात हुआ है कि भाई इंडिया में भी काफ़ी बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट के पर्पज़ से हो, चाहे वो बिज़नेस को सेटअप वगैरह करने के लिए आ रहे हो, या फिर अपने रिलेटिव वगैरह से मिलने के लिए। इसमें देखो दिया गया है यहाँ पे कि जो इंटरनेशनल अराइव्स होती हैं, मतलब एयरपोर्ट वगैरह पे लोग आते हैं, इनके डाटा को यूज़ किया जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी में लोग हैं वो बाहर से आए हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि देखो जिस कंट्री में ज़्यादा लोग आएंगे तो वहाँ पर डाइवर्सिटी रहेगी, इसके साथ ही बिज़नेस वगैरह है वो भी जल्दी ज़्यादा प्रमोट है वो होता है। देखो फिर कुछ सजेशन भी दिए गए हैं कि जैसे कि जो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया जैसी कंट्रीज़ में, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आप ये मतलब एक तरीके से लोगों को अट्रैक्ट है वो कर सकते हो। इसी के साथ ही टूरिज्म को ज़्यादा बूस्ट करना चाहिए, और जो ट्रेवलिंग फैसिलिटी हैं, ई वीज़ा वगैरह, ऐसी प्रोसीजर हैं जिनकी वजह से एशिया की तरफ लोगों का ध्यान है वो ज़्यादा रहा है। क्योंकि देखो एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं, टूरिज्म भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और एशिया की मैक्सिमम कंट्रीज़ ने ई वीज़ा पॉलिसी ले रखी है, मतलब आप ऑनलाइन ही वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑफिस वगैरह जाने की जरूरत नहीं होती, तो भी लोग घूमने के लिए ईजी हैं, वो एशियन कंट्रीज़ की तरफ फोकस है वो करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पृथ्वी सेकेंड मिसाइल के बारे में। देखो पृथ्वी सेकंड मिसाइल है वो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब सरफेस से लॉन्च की जाती है और सरफेस पे इसका टारगेट है वो रहता है। इसकी जो रेंज है वो होती है 350 किलोमीटर। इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, और DRDO का एक प्रोग्राम चलाया गया था, ये चलाया गया था 1980-85 के दशक में, 1980 और 90 के दशक में सॉरी। इसका नाम था IGMDP, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, उनके द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया गया था कि भाई हम हमारे देश में स्वदेशी मिसाइलें वो डेवलप करेंगे, बाहर की मिसाइलों पर डिपेंड कम रहेंगे। इसकी वारहेड ले जाने की जो कैपेसिटी है वह 500 से 1000 किलोग्राम के पास, और ये न्यूक्लियर और जो नॉर्मल आप बोल सकते हो कि वारहेड उन दोनों को कैपेबल है कैरी करने के लिए वो है। इसी के साथ इसमें लिक्विड जो प्रोपेलेशन है इसका यूज़ किया गया है, 2 इंजन इसमें लगे हुए हैं। और अगर हम कुछ बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्री ध्यान रखना कि इसको 2003 में फोर्सेज में शामिल है वो किया गया है। तो ये कुछ 2-4 फैक्ट UPSC आपसे पूछ सकती है कि सरफेस टू सरफेस है, रेंज क्या है। देखो तो लॉन्ग रेंज नहीं है ये ध्यान रखना, लॉन्ग रेंज तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रेंज होती है हज़ारों में, तब हम उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एक्सेलेटर लैब के बारे में। तो क्या है यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक्सेलेटर लैब? पहली बात तो ये प्रोग्राम किस किस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो जो UNDP एक्सेलेटर लैब प्रोग्राम है ना, ये मेनली UNDP और कतर की गवर्नमेंट और इसी के साथ ही जर्मन की कोऑपरेशन, मतलब 3 संस्थाओं के द्वारा मिलके इस लैब का निर्माण है वो किया गया है, और वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग जगह इन लैबों का निर्माण है वो किया जा रहा है। क्या ये लैब? देखो ये एक्सेलेटर लैब है ना, वो एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है UNDP का, कतर गवर्नमेंट का, और इसी के साथ ही फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का। किस लिए ये इसलिए किया गया है ये लैब का निर्माण कि भाई जो 21वीं सेंचुरी में, मतलब जो आज का युग है 21वीं शताब्दी है, इसके टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, कॉम्प्लेक्स चैलेंज कौन से आज के टाइम पे? आज के टाइम में अगर हम बात करें तो एक तो इम्पोर्टेंट चेंज है क्लाइमेट चेंज आ जाता है, इसके साथ ही अगर और हम बात करें तो पोल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वाटर मैनेजमेंट है, मतलब ये काफ़ी सीरियस इशू हैं जिनको आप इतना ईजिली सोल्व नहीं कर सकते। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ऑल ओवर वर्ल्ड की, इनका सोल्यूशन लेके आना है ना, तो आप जो अपने रूरल एरिया में या फिर लोकल एरिया में जो सोर्सेज रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी हेल्प से ला सकते हो। जैसे एग्जांपल समझते हैं,
इंडिया में मान लो कि पोल्यूशन की बात की जा रही है कि भाई पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है, तो इसके लिए हमारे देश में जो लोकल ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं, या लोकल टेक्निक आप बोल सकते हो, जुगाड़ जिसे हम कहते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम इन चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं और जो पोल्यूशन की समस्याओं को रोक सकते हैं। तो ऐसे मेथड की तरफ फोकस करने के लिए इस लैब का निर्माण है वो किया गया है। ये जो लैब है ये वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कोनों में लगाई जा रही हैं। तो कंटेक्स्ट क्या था, कंटेक्स्ट यह है अभी कि हमारे देश में भी ये जो लैब है इस तरह की, इसका निर्माण किया जा रहा है ताकि हमारे देश के जो लोकल प्रॉब्लम, लोकल जो आइडियाज़ है ना, इनको लेके और जो प्रॉब्लम है हमारे देश की, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, इसी के साथ ही सॉलिड वेस्ट को आप काउंट कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम है, इनसे निपटा जा सके। मतलब हमारे जो देसी जुगाड़ हैं, देसी जो टेक्निक हैं, इनको बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए और जो जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सोल्व आउट है वो किया जा सके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो ग्रास रूट सॉल्यूशंस है ना, जो लोकल एक्टर्स हैं, इनकी हेल्प से जो डेवलपमेंट के सेक्टर हैं उनको हमें बूस्ट करना है, तो इसकी तरफ फोकस किया जाता है इस प्रोग्राम का। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये प्रोग्राम किस किस का है, ये जो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया था UNDP, कतर फंड और जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये दो तीन फैक्ट आपको क्लियर रखने हैं। न्यूज़ मैंने आपको बता दी कि ये जो प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, इसको अभी इंडिया के लिए भी लॉन्च है वो किया गया है। हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है इसमें एक कि जो ये UNDP का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इंडिया में, इसकी कोलेब्रेशन रहेगी इंडिया में अटल इनोवेशन मिशन के साथ। और चार जो भी फोकस वो किया जाएगा इंडिया में, एक तो जो लोकल सोर्सेज कौन कौन से हैं इनका यूज़ किया जाए, मतलब जो लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल सोर्सेज हैं इनका यूज़ करके जो भी हमारे सोल्यूशन लेके आना है, क्लाइमेट चेंज हो चाहे वेस्ट मैनेजमेंट हो, इनकी तरफ फोकस करना है। इसी के साथ ही जो रैपिड टेस्टिंग वगैरह भी फोकस करना है, और अगर बात करें तो जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है उसको कंबाइन करना है, आइडियाज़ हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इनको कलेक्टिव नॉलेज है इसको आपस में शेयर है वो करना है। इसी के साथ ही दिया हुआ है कि जो एक्सपर्टीज हैं इनको आपस में एक जगह आपको ब्रिंग लेके आना है, फिर जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आपके पास इंटेलिजेंस गैदरिंग वगैरह है, इन सब का यूज़ करते हुए हमारे देश की जो कॉमन प्रॉब्लम है या बोल सकते हो कि काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है वैसे देखा जाए तो, इनको हम रोकना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है क्लोन फिश के बारे में। क्या है क्लोन फिश? देखो आपने कई बार मूवी वगैरह में देखा होगा, स्पेशली डिज्नी की मूवी वगैरह थी उनमें काफ़ी पॉपुलर थी इस तरह की जो कलरफुल फिश होती हैं, इनको कहा जाता है क्लोन फिश। तो इसकी वर्ल्ड में काफ़ी सारी स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं, लगभग 28 से 30 के आसपास इसकी तरह तरह की स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ अभी आई है कि अभी एक जनरल इकोलॉजी लेटर है वो मतलब पब्लिश किया गया था, और उसमें इस बात पे फोकस किया गया कि भाई जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, देखो क्लाइमेट चेंज में अब जो एनिमल वगैरह होते हैं, आप बोल सकते हो प्लांट स्पीसीज हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो क्लाइमेट चेंज के जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एडोप्ट कर लें। बट इस लेटर में पब्लिश किया गया कि भाई जो क्लोन फिश है ना, ये जो रेपिडली क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो इसको आप ये बोल सकते हो एक तरीके से एडोप्ट है वो नहीं कर पा रही हैं। मतलब इनके जो जेनेटिक गुण है, जेनेटिक जो कैपेसिटी है, वो क्लाइमेट चेंज के प्रति थोड़ी रूडली है, या फिर उसको जल्दी से एडोप्ट है वो नहीं कर पा रही है, तो ये जल्दी से जल्दी इन पर ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है, या फिर इनके लिए सीरियस प्रॉब्लम सामने को आ रही है। इनको वैसे एनेमोनी फिश के नाम से भी जाना जाता है। देखो एनेमोनी क्या होते हैं, एनेमोनी जो आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, या जब भी स्कूबा डाइविंग किसने की हो तो कुछ इस तरीके के देखो पौधे से दिख रहे हैं आपको, इनको कहा जाता है। तो पतले पतले लंबे रेसे जैसे होते हैं, तो ये फिश है वो मेनली इन पौधों के साथ ही ज़्यादा वो रहती हैं, क्योंकि इनके साथ इनके सहजीवी संबंध है वो होते हैं। सहजीवी रिलेशन क्या है वो अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेनली ये जो फिश हैं ये स्कूबा डाइविंग के लिए काफ़ी पॉपुलर होती हैं, क्योंकि ये छिछले पानी में पाई जाती हैं तो इसलिए कलरफुल होती हैं, तो मतलब आप बोलते हो टूरिज्म के लिए काफ़ी अट्रैक्ट करने का एक अच्छा ऑप्शन है वो होता है। अलग अलग कलर में होती हैं, जैसे वाइट हुआ, ऑरेंज हुआ, येलो, ब्राउन कॉम्बिनेशन में पाई जाती हैं। अगर कुछ और फैक्ट की हम बात करें तो ये पाई जाती हैं मेनली ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, पैसिफिक और इंडियन ओशन में वाइडली या बड़े तौर पे पाई जाती हैं। और इनकी जो मैक्सिमम स्पीसीज हैं क्लोन फिश की वो पाई जाती हैं पापा न्यू गिनिया, जो आपको पता है कि ग्रेट बैरियर रीफ के पास में ही एक कंट्री है, और इवन ग्रेट बैरियर रीफ में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में क्लोन फिश वो पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो उस वाले एरिया में इनकी संख्या ज़्यादा होती है, साफ पानी में नॉर्मली ये पाई जाती हैं। इसी के साथ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलो वाटर यानी कि छिछले पानी में ये जो बड़े तौर पे पाई जाती हैं, और ये जो ब्रीडिंग वगैरह करती हैं ये मेनली जो एनोमोनीस, एनोमोनीस ने आपको बताया था ना भी रेसे वाले जो पौधे से हैं इनके साथ है वो ज़्यादा, इनका अच्छा बॉन्डिंग है वो रहती है। एक वर्ड है यहाँ पे देखो सिम्बेटिक, सिम्बेटिक का मतलब होता है सहजीवी। देखो सिम्बेटिक जो वर्ड है ना वो बना है सिम्बायोसिस से, सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के निकट रहने वाले दो विभिन्न तरह के जीव जो आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हो।
जैसे आप किसी भी तरीके से मान सकते हो कि आप इसी का एग्जाम्पल ले लो मछली का, कि ये जो क्लोन फिश है इसको रहने के लिए तो इसमें घर मिल जाता है, और ये जो है यहाँ पे पौधे हैं इनको क्या होता है कि जब ये मछली रहती है इनके पास तो जो भारी और बड़ी मछलियाँ होती हैं वो इनको खाने के लिए नहीं आती, तो इनकी भी प्रोटेक्शन हो जाती है और मछलियों का भी रहने का जुगाड़ है वो हो जाता है। तो इस तरीके के रिलेशन को कहते हैं सहजीवी रिलेशन। तो यूपीएससी कई बार पूछ लेती है इन्वायरमेंट में, तो ध्यान रखना है कि सिम्बायोटिक रिलेशन कौन से होते हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, अब एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इनर लाइन परमिट के जो कुछ इश्यूज थे उनको कवर किया, फिर हमने रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में जाना, इसी के साथ ही हमने जाना कि जो यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल जो कि यूके बेस्ड एक ग्लोबल मार्केट रिसर्च कंपनी है, उसने भी वर्ल्ड की टॉप 100 सिटी डेस्टिनेशन की रैंकिंग जारी की है, जिसमें इंडिया की 7 सिटी शामिल हुई हैं, दिल्ली को 8वीं रैंक है वो मिली है यहाँ पे। फिर हमने पृथ्वी सेकेंड मिसाइल के बारे में जाना, और इसी के साथ ही हमने जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके बारे में डिस्कस किया, फिर हमने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो एक्सीलेटर लैब इनिशिएटिव है इसको कवर किया, फिर हमने यहाँ पे क्लोन फिश के बारे में जताया कि क्लोन फिश क्या है, इसकी क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर की। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।